नमस्कार, मी मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र पोलीसचा आम्ही मी काय सगळेच आम्ही सगळे तुमचे भयंकर आभारी आहोत, कारण तुम्ही तुमच्या फॅमिलीला सोडून आमच्या बाप बापुरावाळ्यांना आमच्या फॅमिलीला सेफ्टी देऊ शकता यासाठी तुम्ही बाहेर मैदानावर उतरलात, त्याबद्दल आम्ही तुमचं भयंकर आभार मानतो. थँक्यू. वी ऑल्सो वॉन्ट टू थँक द PM श्री नरेंद्र मोदी, द CM श्री उद्धव ठाकरे फॉर द फॅन्टॅस्टिक प्रिपरेशन अँड लॉकडाऊन बिकॉज ऑफ विच वी माइट बी बोर्ड और स्ट्रेस बट वी आर स्टील इन अ मच बेटर स्टेट देन अदर कंट्रीज. सो थँक्यू. डॅड, यू नो टुडे इज शबे बारात अँड इट्स अ व्हेरी व्हेरी बिग नाईट फॉर मुस्लिम ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. और आज हर साल मैं जाती हूँ लोखंडवाला में मस्जिद में, वहां अंदर तो नहीं जा सकते बट वहां पुलिस इतनी अच्छी प्रेपरेशन करती है हमें वहां से बाहर से ही अच्छी क्या बोलते हैं दुआएं करने के लिए. एंड दिस टाइम हम पुलिस के लिए घर से नहीं निकलने वाले हैं सो दैट हम अपने पुलिस पे ज्यादा स्ट्रेस ना डालें. एंड आई होप मेरे मुस्लिम भाई बहन अपने फरिश्तों को याद अपने घर से करें और दुआएं घर से करें. एंड I hope one day we all can go out and pray to our gods. And till then, dua mein yaad rakhna. Jai Mata Di. Jai Mata Di. I am very proud of you all, brothers and sisters, all of this country. You all have cooperated so much. Keep it up for another few days. We'll see the bright rainbow very soon. Yes. Thank you, Mumbai Police, Maharashtra Police. Jai Maharashtra. Jai Maharashtra. दोस्तों, कल मेरी बात मुंबई पुलिस के एक अफसर से हो रही थी. मेरा दोस्त है, उनकी एक लाइन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया. कह रहा था कि अक्षय, कमाल है ना, आप लोग अपने घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं और आयरनी की बात यह है कि हम अपने घर जाने से डर रहे हैं. सारा दिन सड़क पर रहते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, कई बीमारियाँ अपने घर वालों को ना दे दें, इसलिए हम घर नहीं जाते 10-10 दिन 12-12 दिन. मैं बहुत देर तक सोचता रहा, हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम सेफ रहें इसके लिए कितने लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए दिन रात काम कर, हमारी पुलिस फोर्स, नगर निगम के वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, अलग अलग एनजीओ के वॉलंटियर्स, हमारे सरकार के लोग, राशन वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, बिल्डिंग का जो वॉचमैन है वो भी, और भी ऐसे कई ज़रूरी काम करने वाले बहुत से लोग हैं. एक मैं समझता हूँ एक पूरी आर्मी है जो 24 घंटे काम कर रही है ताकि हम और हमारे परिवार सुरक्षित रहें. और हम लोग क्या कर रहे हैं, घर बैठकर फिल्में देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं बस. यार एक थैंक यू तो बनता है, दिल से थैंक यू बनता है. मेरे अगले ट्वीट में, इसके बाद जो ट्वीट डालूंगा, मैं इन सबको अपने और अपने परिवार वालों की तरफ से दिल से थैंक यू करूंगा. अगर आप चाहें तो मेरा अगला ट्वीट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपना नाम और सिटी रिप्लेस करके कोई भी सोशल मीडिया जिस पर आप हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम पर शेयर करें #, दिल से थैंक यू के साथ. गाइज, let's show our gratitude because that is the least we can do. Apna dhyan rakhiye.